हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय जितेंद्र कुमार में स्वागत है। चलिए आज हम पढ़ेंगे डिरिचलेट्स टेस्ट। तो समझिए, डिरिचलेट टेस्ट फॉर कन्वर्जेंस ऑफ द इंटीग्रल ऑफ ए प्रोडक्ट। तो इसमें भी हमें कोई इंटीग्रल दिया होगा, उसमें दो फंक्शनों की क्या दी हुई होगी, प्रोडक्ट। एक को एफ एक्स मानते हैं और एक को हम मानते हैं फाइव एक्स, जैसे पीछे भी किया हमने एक एबल्स टेस्ट पढ़ा। ठीक है, तो चलिए समझ लीजिए इसको। इफ एफ एक्स इज बाउंडेड एंड मोनोटोनिक इन द इंटरवल, कोई फंक्शन एफ एक्स बाउंडेड भी है और कैसा भी है, मोनोटोनिक भी है, इन द इंटरवल ए लेस देन इक्वल टू एक्स लेस देन इन्फिनिटी। इफ लिमिट एक्स टेंड्स टू इन्फिनिटी एफ एक्स किसके बराबर, जीरो के, देन द इंटीग्रल, देन द इंटीग्रल ए टू इन्फिनिटी एफ एक्स इंटू फाइव एक्स डी एक्स कन्वर्जिस प्रोवाइडेड इंटीग्रल ए टू एक्स फाइव एक्स डी एक्स इज बाउंडेड एज एक्स टेक्स ऑल फाइनाइट वैल्यू। ये कैसा होना चाहिए इसका मॉडुलस, बाउंडेड, ठीक है, किसके लिए, एक्स की फाइनाइट वैल्यूज के लिए। देखिए इसमें क्या दिया होगा, हमें ये इंटीग्रल दिया हुआ होगा, कौन सा इंटीग्रल दिया होगा, ये दिया होगा। इसको सोल्व करिए, इसको टेस्ट करिए, ये कन्वर्जेंट है या डाइवर्जेंट है। क्वेश्चन में हमें ये वाला इंटीग्रल दिया होगा, तो इसमें से हमें एफ एक्स और फाइव एक्स अपने पास से निकालने पड़ेंगे, वहाँ क्वेश्चन में जो भी दिया होगा। एफ एक्स ऐसा लेना उसके अंदर कि उसकी लिमिट तो क्या जाए, जीरो। भाई एफ एक्स हमें उसमें से ऐसा निकालना कि एफ एक्स कैसा भी हो, बाउंडेड भी हो और मोनोटोनिक भी हो, इन द इंटरवल ए से लेके इन्फिनिटी तक। ठीक है, इफ एक्स टेंस टू इन्फिनिटी एफ एक्स और ये लिमिट किसके बराबर हो, जीरो के, तो ये वाला इंटीग्रल कैसा होगा, कन्वर्जेंट होगा, कन्वर्जिस होगा, प्रोवाइडेड वो इसका जो मॉडुलस वो कैसा, बाउंडेड एज एक्स टेक्स ऑल फाइनाइट वैल्यू। एक्स की कोई भी फाइनाइट वैल्यू ले लीजिए, ये कैसा, बाउंडेड है। ठीक है, फिर एक बार समझिए, एग्जाम में जैसे क्वेश्चन आएगा, इस तरह का क्वेश्चन आएगा, उसमें ए टू इन्फिनिटी और यहाँ कुछ फंक्शन लिखे होंगे, तो उसमें से हमें एफ एक्स अलग निकालना होगा और फाइव एक्स अलग, तो एफ एक्स हमें ऐसा छांटना होगा कि एफ एक्स कैसा भी हो, बाउंडेड और मोनोटोनिक इन द इंटरवल ए लेस देन इक्वल टू एक्स लेस देन इन्फिनिटी, और ये लिमिट किसके बराबर, जीरो के बराबर। तो ये वाला इंटीग्रल कैसा होगा, कन्वर्जेंट होगा, ठीक है, प्रोवाइडेड यदि इसका जो मॉडुलस है ए टू एक्स फाइव एक्स डी एक्स इज बाउंडेड एज एक्स टेक्स ऑल फाइनाइट वैल्यू। ठीक है, यदि एक्स की कैसी वैल्यू लेते हैं, सारी फाइनाइट वैल्यू, तो ये कैसा होना चाहिए, बाउंडेड है। ठीक है, तो चलिए इसको नोट करिए, अब इस पर एक एग्जाम्पल समझना। चलिए एग्जाम्पल देखिए, टेस्ट द कन्वर्जेंस ऑफ द इंटीग्रल लिमिट ए टू इन्फिनिटी साइन एक्स अपॉन रूट एक्स डी एक्स वेयर ए ग्रेटर देन जीरो। तो इसको मैं देखना कन्वर्जेंट है या डाइवर्जेंट है। देखिए मैंने वहाँ पर लिखा था कि लिमिट एक्स टेंड इन्फिनिटी हो एफ एक्स किसके बराबर आना चाहिए, जीरो की, तो एफ एक्स इसमें से ऐसा छांटना पड़ेगा हमें जो उसकी लिमिट इन्फिनिटी पे एक्स टेंड्स टू इन्फिनिटी पे किसके बराबर जाए, जीरो के। सॉल्यूशन देखिए, इंटीग्रल हमें क्या दिया इन्होंने, ए टू इन्फिनिटी साइन एक्स बटे अंडर रूट एक्स इंटू डी एक्स। ठीक है, तो एफ एक्स ऐसा लेना कि उसका लिमिट क्या आ जाए, जीरो आ जाए, तो तुम बताइए एफ एक्स क्या मानना चाहिए हमें इसमें, एफ एक्स बोलिए क्या मानना चाहिए, जिसकी लिमिट क्या आ जाए, जीरो। अब ये देखो भाई, वन अपॉन रूट एक्स है, लिमिट एक्स टेंस टू इन्फिनिटी, यहाँ इन्फिनिटी रखेंगे, एक बटे इन्फिनिटी क्या हो जाएगा, जीरो, तो एफ एक्स क्या मानना चाहिए हमें, अरे सीधा सीधा जब इन्फिनिटी रख देंगे इस पर, ठीक है, तो इसकी लिमिट क्या आ जाएगी, जीरो, और एफ एक्स ऐसा मानना जिसकी लिमिट क्या आ जाए, जीरो, तो ये एफ एक्स आ गया।
तो ये एफ एक्स आ गया, तो देखना क्या क्या मानने थे इसमें। एक एफ एक्स लेना था और एक क्या मानना था इसके अंदर, फाइव एक्स। तो जब ये एफ एक्स है एंड फाइव एक्स, बताइए कितना साइन एक्स आ जाएगा, कितना आ जाएगा ये साइन एक्स। अब पढ़िए उसमें जो टेस्ट अभी मैंने बताया आपको, उसमें पढ़िए कि एफ एक्स कैसा होना चाहिए, एफ एक्स कैसा होना चाहिए। टेस्ट में अभी पढ़ा बाउंडेड भी होना चाहिए और मोनोटोनिक भी होना चाहिए। तो एफ एक्स ये है, तो ये देखिए बाउंडेड है या नहीं है। बाउंडेड के लिए इसके बीच का कोई भी मान रखें कभी भी इन्फिनिटी हो जाएगा क्या ये? भाई वैसे तो जीरो पे हो सकता था ये, और इंटरवल जीरो से, जीरो है क्या यहाँ पे? एक इससे बड़ा दे रखा जीरो से, तो ये फंक्शन किसी भी पॉइंट पे बाउंडेड ठीक है या अनबाउंडेड? अनबाउंडेड हो जाएगा किसी भी पॉइंट पे? नहीं होगा। तो फंक्शन कैसा है ये? बाउंडेड है ठीक है। बाउंडेड भी होना चाहिए और कैसा भी होना चाहिए? ये मोनोटोनिक भी होना चाहिए। तो ये जैसे जैसे हम इसके मान बढ़ाएंगे तो घटेगा, मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग होगा। और मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग फंक्शन कैसे होते हैं? मोनोटोनिक ही होते हैं। कोई फंक्शन मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग हो या मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग हो तो वो फंक्शन कैसे होते हैं? मोनोटोनिक। तो यहाँ पर लिख देंगे हेयर, हेयर एफ एक्स, हेयर एफ एक्स इज कैसा है बोलिए? बाउंडेड भी है ये, बाउंडेड एंड कैसा भी है ये? मोनोटोनिक। अब इसकी लिमिट निकालिए। नाउ इसकी लिमिट क्या आनी चाहिए? जीरो, हमने छांटा ही ऐसा जिससे जीरो आए। नाउ लिमिट किसकी निकालिए बोलिए? लिमिट एक्स टेंस टू इन्फिनिटी एफ एक्स इक्वल टू, लिमिट एक्स टेंस टू इन्फिनिटी एफ एक्स का मान बोल लो, तो लिमिट निकाल लेंगे तो किसके बराबर आएगी? जीरो के बराबर। अब ये बताइए मॉडुलस किसका निकालना? नाउ देखना क्या था वहाँ पे, मॉडुलस इंटीग्रल ए से लेके कहाँ तक? एक्स तक, एफ एक्स इंटू डी एक्स, इसका इसका मान निकालना हमें। तो फाइव एक्स का मान रखना है इसमें, मॉडुलस पहले इसका मान निकाल लो, मॉडुलस चलो बाद में निकाल लेंगे। नाउ मॉडुलस हम बाद में कर लेंगे इसका, पहले इसका ही मान निकाल लो ए टू एक्स। फाइव एक्स का मान बोलना साइन एक्स इंटू डी एक्स, इंटीग्रल करना इसका माइनस के कोस एक्स, लिमिट बोलना ए से लेके कहाँ तक? एक्स तक, अपर लिमिट रखेंगे तो एक्स की जगह एक्स ही रखेंगे, माइनस कितना कोस एक्स माइनस माइनस कितना आ जाएगा? कोस ए, या क्या लिख सकते हैं हम इसको? कोस ए माइनस। अब इसका कैसा लेना हमें? मॉडुलस लेना ठीक है। तो इसका मॉडुलस कैसा आना चाहिए? बाउंडेड आना चाहिए ठीक है, सभी एक्स की फाइनाइट वैल्यू के लिए ठीक है। कैसा आना चाहिए ये? बाउंडेड। तो गिवन इंटीग्रल कैसा हो जाएगा? कन्वर्जेंट हो जाएगा। कौन से टेस्ट से हो जाएगा? डिचलिट्स टेस्ट से हो जाएगा ठीक है। इसको नोट करूँ, उसके बाद आगे लिखेंगे, इसका मॉडुलस निकाल लेंगे। कर लिया? एक बार जरा और समझ लीजिए, एक बार और समझ लीजिए, हम इसको कर रहे कौन से टेस्ट से? डिचलिट टेस्ट से। तो डिचलिट टेस्ट में प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शंस होगा ठीक है। तो यहाँ दो फंक्शनों का प्रोडक्ट ही है ये, एक हम 5x अलग निकाल लेंगे और fx अलग निकाल लेंगे। fx ऐसा लेना जिसकी लिमिट क्या आ जाए? जीरो। तो लिमिट किसकी जीरो आ रही, हमने देख लिया यहाँ पे वन अपोन अंडर रूट एक्स की। यदि लिमिट निकालेंगे एक्स टेंस टू इन्फिनिटी पे तो किसके बराबर होती है ये? जीरो। तो एफ एक्स को हम ऐसा ही फंक्शन मानेंगे। तो एफ एक्स बराबर क्या मानना हमने इसमें? वन अपोन अंडर रूट एक्स मानना एंड फाइव एक्स, फिर बचा हुआ क्यों मान ठीक है, बचा हुआ कौन होगा? वो फाइव एक्स के बराबर होगा ठीक है। बचा हुआ किसके बराबर होगा? वो फाइव एक्स की। अब जो ये एफ एक्स है, हमने अभी पढ़ा एबल्स टेस्ट पे, एफ एक्स बाउंडेड भी होना चाहिए और कैसा होना चाहिए? मोनोटोनिक।
तो हमने यहाँ देखा इस इंटरवल के लिए कहीं किसी पे भी इन्फिनिटी हो जाएगा क्या, ये नहीं होएगा। तो ये फंक्शन कैसा है, बाउंडेड है, और कैसा भी है ये, मोनोटोनिक। वैसे मोनोटोनिकली कैसा है, ये डिक्रीजिंग है। तो जो मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग हो या डिक्रीजिंग हो वो फंक्शन कैसे होते हैं, मोनोटोनिक। तो ये बाउंडेड भी है और कैसा भी है, मोनोटोनिक भी है। अब हम लिमिट निकाल लेंगे, लिमिट किसके निकाल लेंगे, एफ एक्स की, वो किसके बराबर आनी चाहिए, जीरो की। तो हमने पहले से ही एफ एक्स ऐसा छांटा जिसकी लिमिट क्या आएगी, जीरो, तो निश्चित रूप से क्या आई, ये जीरो ही आई, ठीक है। अब इसके बाद इसका मॉडुलस कैसा होना चाहिए, बाउंडेड। मॉडुलस बाद में करेंगे, पहले से निकाल लेते हैं, ठीक है। ए टू एक्स फाइव एक्स इंटू डी एक्स, फाइव एक्स का मान रख दिया कितना, साइन एक्स, साइन एक्स का इंटीग्रल कितना, माइनस कोस एक्स, अपर लिमिट रखी माइनस कोस एक्स, और प्लस का कितना आ गया, कोस ए, तो कोस ए माइनस कोस एक्स आ गया। अब इसका क्या निकालेंगे हम, मॉडुलस निकाल लेंगे। तो मॉडुलस यदि कैसा आ जाएगा, बाउंडेड आ जाएगा। तो बाय डिरिचलेट टेस्ट से गिवन इंटीग्रल कैसा हो जाएगा, कन्वर्जेंट हो जाएगा, ठीक है। तो ये तो नोट कर लिया, चलिए इधर से मिटा के इसको इधर कर लेते हैं आगे। इसका मॉडुलस निकालते हैं, चलिए तो इसका मॉडुलस निकालिए। मॉडुलस किसका बोलिए, ए टू एक्स फाइव एक्स इंटू डी एक्स बराबर, मॉडुलस में आ जाएगा ये कोस ए, कोस ए माइनस कोस एक्स, ये आ गया, ठीक है। ये कैसा, अब ये देखिए फाइनाइट है या नहीं है, अब इसको देखिए फाइनाइट है या नहीं है, सभी x की फाइनाइट वैल्यू के लिए। तो यहाँ पे कुछ भी वैल्यू रख देना x की फाइनाइट वैल्यू, ठीक है भाई। इसका मान हमेशा माइनस वन से प्लस वन के बीच, इसका मान भी माइनस वन से, कभी भी इन्फिनिटी बन जाएगा क्या, ये कभी भी इन्फिनिटी नहीं बनेगा। तो कैसा है ये, बाउंडेड है। तो लिख देंगे यहाँ पे हेयर, हेयर इंटीग्रल ए टू एक्स फाइव एक्स इंटू डी एक्स इज कैसा है, ये इज बाउंडेड है फोर ऑल, फोर ऑल फाइनाइट वैल्यू ऑफ एक्स, फोर ऑल फाइनाइट वैल्यू ऑफ एक्स। तो क्या लिख देंगे, हैंस बाई, बोलिए किससे, डिरिचलेट टेस्ट, डिरिचलेट टेस्ट दी गिवन इंटीग्रल, दी गिवन इंटीग्रल इज, बोलिए कैसा, कन्वर्जेंट, ठीक है। चलिए इसको नोट कर लीजिए, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, बाकी नेक्स्ट टर्न पे, ओके, थैंक यू वेरी मच।